हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले के साथ वापस। और इस वाले गेम प्ले में आपको भर भर के तबाही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस वाले गेम प्ले में हमारे होने वाले हैं 19 किल। और अभी के लिए मैं उतर चुका था ट्रांसपोर्ट में। यहाँ पर मेरे पीछे एक बंदा आ रहा था, तो इसको जैसे ही मैं लैंड करता हूँ इसको भी अभी तुरंत ही लॉबी में निपटा देते हैं। और यहाँ पर ये बंदा कुछ सेकंडों नहीं लगे फिर से ये लॉबी में चला गया, और वहाँ से अभी इलाज करके वापस से आएगा और उसको फिर से हम निपटाएंगे। इस वाले बंदे को मैं इस गेम में 3 से 4 बार मारने वाला हूँ, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने हैं और वीडियो को भी लाइक कर देना। उधर से लूट करने के बाद जैसे मैं इधर आता हूँ, इधर इस वाले बंदे को मैं आसानी से निपटा देता हूँ। निपटाने के बाद वहाँ से इसको भी पेड़ लूटता हूँ, तभी मेरे यहाँ पर जो हाथ होता है वो बहुत तेज़ से धक धक करने लगता है। और तभी मैं जैसे छत पर जाता हूँ, यहाँ पर मेरे को फुटप्रिंट दिखता है। चलिए इसको भी आसानी से निपटाते हैं। और यहाँ पर ये वाला बंदा बहुत ही गंदा टीपीपी ले रहा था, लेकिन हमारा तो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हमारे हाथ में है द मोस्ट डेंजरस गन फाल, जो कि बहुत ही तगड़ी मानी जाती है। गाइस, इसका डैमेज 200 का है। और यहाँ पर जैसे इस साइड आता हूँ तो यहाँ पर फिर से एक बंदा लैंड करता है, जिसको अभी अभी मैंने नीचे मारा था, वो फिर से वापस आ चुका है और इसको फिर से हम मारने वाले हैं। और इसको यहाँ पर मारने के बाद हमारे 4 किल हो चुके हैं, तो अब हम यहाँ से सीधा निकलने की सोच रहे हैं। सोच क्या गाइस, चल ही ते हैं, यहाँ पे कोई बंदा आया नहीं है, तो अब हम यहाँ से सीधा निकल लेते। और जैसे यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर कुछ बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, और तब यहाँ पर हमारा फ़ोन आ जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी गन का साउंड नहीं आता है। इनकी यहाँ के यहाँ पर 2-3 बंदे आपस में लड़ रहे थे, तो यहाँ पर मैं इनको मारने के बाद सीधा और बंदों को मारेंगे। और हमारे फोन में आ गया था, इसलिए यहाँ पर किसी को भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, तो उसके लिए सॉरी गाइस। और उसके बाद यहाँ पर मैं 2-3 बंदे को आसानी से मार देता हूँ, और उसके और बाकी के टीममेट, एक बंदा मेरे पीछे का नीचे की साइड देखता है और इसको भी पकड़ के मारता है। ये बंदे को पता नहीं था कि इसके टीममेट यहाँ पर मर गए, भाई तू कहाँ जा रहा है। और यहाँ पर हमारी गेम हो रही थी लैग, क्योंकि फ़ोन तो हमारा कट चुका था, लेकिन हमारी गेम लाइव हो रही थी। लेकिन अब वापस से नेटवर्क अच्छा आ चुका है, तो हमारी गेम अब सही चल रही है। और जैसे इस वाले बंदे को मैं मारता हूँ, अभी देखना क्या होगा हमारे साथ। और जैसे मैं इसकी बेड़ी यहाँ पर लूटता हूँ, जैसे मैं सीधा जाने की तलाश में रहता हूँ, और तभी पीछे से मुझे गाड़ी की आवाज़ आती है। और इन वाले बंदों को जितनी तगड़ी एंट्री थी मुझे मारने की, उससे तगड़ी तो इनकी हमने मुर्गा बना के मारा। तो गाइज, अगर आपको मज़ा आया हो तो यहाँ पर वीडियो हमारी लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर ये बंदे बहुत ही तगड़ी वाले लूट करके लाए थे, यहाँ पर इन्होंने टाइटन को भी मार रखा था, तो मैं यहाँ से सीधा टाइटन को फिर से जीवन दान दे देता हूँ, और फिर से यहाँ से इनकी गाड़ी लेकर मैं वापस से निकल जाऊँगा और बंदों को मारने। और जैसे ही मैं गाड़ी लेकर सीधा यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इस वाले बंदे को मैं मार देता हूँ। इस वाले बंदे को मारने के बाद फिर से वापस वो कार वाला बंदा आ जाता है बदना बदला लेने, लेकिन अभी देखना क्या होने वाला है हमारे साथ। और यहाँ पर ये वाला बंदा गाइस मेरे को मार ही चुका था, लेकिन मैंने गन चेंज करके अपनी इसको 2-3 गोली और मार दी और ये मर चुका। लेकिन ये वाला बंदा गाइस लिटरली मेरे को डैमेज बहुत ज़्यादा कर चुका था, और ये मेरे को मार भी सकता था अगर मेरे पास सीड ना होती। यहाँ पर मैं अपने फर्स्ट एड लगा के फिर से जैसे बाहर जाता हूँ, यहाँ पर मेरे को बाहर बंदे मिल जाते हैं। और यहाँ पर इन दोनों को पहले से लगता है डैमेज रहता है, क्योंकि मैं 2-3 से गोली मारता हूँ, ये लोग बंदे मर जाते हैं। और जैसे ही मैं इनकी पेटी लूटने जाता हूँ, अभी देखना फिर से वाला बंदा वापस से ऊपर से आएगा और उसको फिर से मारने वाले हैं हम। और ऊपर साइड इसका ग्लाइडर हमें दिख चुका था, और ये बंदा जैसे कूदता है मैं सीधा इसकी तरफ ही जाता हूँ। और आप भी देख सकते हैं बंदा ऊपर तरफ आ रहा है, तो हम सीधा अपनी स्केयर बोल्ट लेके उसी तरफ जाता हूँ, जिससे कि हमारी क्लोज में फाइट बहुत ही अच्छी हो सके। और उसके बाद यहाँ पर हम फिर से इसको मार देते हैं बहुत ही आसानी से। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको 4 बार मार चुका हूँ,
तो अभी इसका टीममेट बाकी है जो कि दूसरा बंदा था, तो अभी उसको भी मारने वाले हैं। जैसे मैं सीधा जा रहा था, अभी देखना क्या होगा। और सामने एक तरफ मेरे को एक बंदा दिखता है, मैं उसको स्प्रे करता हूँ, लेकिन हमारा तो इसको भी भाई पता है आपको हिल रहा था बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी लॉन्ग में था, इसलिए हमारा थोड़ा सा उसके ऊपर एम नहीं जा रहा था। और यहाँ पर मैं इसको बहुत लेट उठ कर ट्राई कर रहा था मारने के, लेकिन वो बंदा बच जाता है। अभी इसको बाद में मारेंगे, और तभी मेरा जो टाइटन रहता है किसी बंदे को देख लेता है, और तब मैं सीधा उसके ऊपर रश कर देता हूँ। और टाइटन को रहने का यही एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि अगर आपके पास टाइटन है तो आपके मतलब 100 मीटर के एरिया में अगर कोई बंदा आपके आगे पीछे होगा तो टाइटन सबसे पहले उसको देख लेता है, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वो बंदा कहाँ पर है। मैं वहाँ से सीधा स्पीड बोले कि यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इस वाला बंदा कुछ लूट रहा था, तो मैं इसको सीधा मार देता हूँ। ये वही वाला बंदा था गाइस जो भी अभी इसकी इधर से आया था, तो इसको भी मैं इजीली से निपटा देता हूँ। इसको भी इजीली से निपटाने के बाद यहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर आ चुका था, जिससे हम पिन कर सके। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इस वाला बंदा गाइस इसके टीममेट तो मर चुके होंगे, पता नहीं, इसके पास हमें लगता है सिलेंडर नहीं हुआ इसलिए हेलीकॉप्टर पर चढ़ नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर मैं इसके थोड़े बहुत मज़े लेने लगता हूँ, और इसको मैं 2-3-4-5 मेरे पास डांस ग्रेनेड थे, इसके ऊपर फेंकने लगता हूँ। और अभी ये बंदा मेरे को बहुत ही तगड़ा स्कैम करने वाला है, और इस बंदे को मैं मार देता हूँ थोड़े बहुत मज़े लेके, नहीं तो ये बंदा मेरे को गाइस आसानी से निपटा सकता था। और उसके बाद मैं सीधा स्कैन लगा कि यहाँ पर आ जाता हूँ, ये बंदा गाइस बोर्ड था। यहाँ पर मेरे 19 किल हो चुके हैं, और अब हम सीधा निकल जाते हैं अपने हेलीकॉप्टर पर विक्ट्री होने के लिए। तो अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक कर देना, ऐसे आपको रेड सेक्सी गेम प्ले के तबाहीदार गेम प्ले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय बाय।